मर गया किसान। जी हां, इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, मुजफ्फरनगर में गन्ना किसान ओमपाल की आत्महत्या का मामला सामने आया है। शव को चौराहे पर रखकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। शुगर मिल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और मुआवजा देने की मांग पर भी अड़े हुए हैं ग्रामीण। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, थाना भोरा कला क्षेत्र के कस्बा सिसोली का ये मामला है और कल ओमपाल ने आत्महत्या की थी। किसान नेता महेंद्र टिकेत के गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण शर्मा लाइव। अब वरुण, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सिसोली का जो गढ़ है, किसानों का गढ़ है, कि महेंद्र सिंह टिकैत जो है उनका राज, किसानों की राजधानी सिसोली मानी जाती है। उसमें कल एक किसान है जिसका नाम ओमपाल था, लगभग 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास उन्होंने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। वरुण, मैं आपको यह रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भारतीय किसान के यूनियन राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, किसान ने हत्या की है, क्या कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई हो पा रही है? अभी प्रशासन ने कहा था कि मुआवजे की हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता चला कि जो सुसाइड किसान करता है तो उसको जो फसल बीमा योजना है उसमें उसको लाभ नहीं मिल पाता। अभी वहां पे प्रशासन पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो संजीव बालियान जी है भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और हम भी वहां पे 10 मिनट में घटनास्थल पर 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे और सब अधिकारी रहेंगे वहां पे, मंत्री रहेंगे वहां पे। और ये हालात देश के किसानों की बहुत व्यस्त होगी, फसलों के रेट नहीं मिलते, कीमत कम है और लागत बहुत किसान की बढ़ रही है, तो ये आत्महत्या में पड़ेगी। राकेश जी, ये कोई पहली घटना नहीं है, ना जाने कितने किसानों ने भी पहले भी आत्महत्या की है। आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लेकिन सरकार तो पूरी कोशिश करती है किसानों को मुआवजा दिया जाए। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ही है। इसी को लेकर एक किसान ने आत्महत्या की है और वहीं पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को लेकर उन्होंने किसान ओमपाल के शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता महेंद्र टिकैत का एक पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक किसान ने आत्महत्या की है। वही खबर मुजफ्फरनगर से है, गन्ना किसान ओमपाल की आत्महत्या की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वहीं पर ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। शुगर मिल के खिलाफ केस दर्ज करने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं ग्रामीण। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रोड पर किसान का शव रखकर सभी ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो शुगर मिल का जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ मृतक के परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। तो गन्ना किसान ओमपाल ने आत्महत्या कर ली है, शव को चौराहे पर रखकर सभी ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और लेकिन इसी दौरान मौके पर पुलिस प्रशासनिक मौजूद है और वहीं पर शुगर मिल के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी कही जा रही है और साथ ही साथ मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, जिस तरीके से लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आत्महत्या बढ़ेगी, ये और ज्यादा बढ़ेगी जब तक किसानों के फसलों के रेट नहीं ठीक होंगे, उनके रेट उनको नहीं मिल रहे हैं।
और दूसरी बात रेट भी मिलते उसको, फिर अगर उसने कोई अपना गन्ना या कोई चीज डाल दी उसका भुगतान उसका टाइम पर नहीं होता जी। और जो एमएसपी है सरकार ने निर्धारित कर रहे हैं उस पर खरीद नहीं होती, हाफ रेट में किसान की फसलों की खरीद होती है। राकेश जी लापरवाही किसकी है? क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि जो भी किसान है उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी जो फसल है उसका पूरा पैसा दिया जाए। आखिर गलती किसकी है, किसकी लापरवाही की वजह से किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं? गलती तो सरकार की है ना, वे एमएसपी सरकार ने तय कर दी तो उसकी एक गारंटी कहा सब चीज का, हमने ये रेट निर्धारित कर दिया इससे कम पे खरीद नहीं होगी। सरकार इसकी खरीद करती है और उसके कम रेट पर करती है, मंडी के अंदर खरीद होती है और कम रेट पर खरीद हो रही सरकार को पता नहीं। राखी जी सबसे बड़ी बात तो ये है किसानों के मसीहा कहे जाने वाले ये उनका ही गांव का मामला है, आखिर जो किसान था वो क्यों नहीं वहां पर पहुंचे, क्यों उनसे बातचीत नहीं कर पाए जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली? हम किसानों को ये करते हैं कि किसान आत्महत्या ना करे, संघर्ष करे जी। पूर्ण रूप से वहां का है, अब पूरी जानकारी इसलिए रहे कि भाई क्यों करी, क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जी, वो आत्महत्या कोई भी कर रहा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसान को है, उसी से ही वो आत्महत्या कर रहा। उस किसान का गन्ना बचा हुआ है जी, अब वो गन्ना क्यों नहीं हो रहा, वो पूर्ण रूप से टेक्निकल है, उसको अधिकारी देखेंगे किसान का गन्ना क्यों बचा जी। और राकेश जी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, आप तो खुद इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम जाके देख रहे हैं वहाँ पे, केंद्रीय मंत्री और पूरा प्रशासन वहाँ पे पहुँच रहा, हम भी वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अभी 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच लूंगा। और इससे ये है कि इसको मुआवजा मिला पूर्ण रूप से किसान को, इसकी पूरी मदद की। राकेश जी क्या आपकी तरफ से कोई मदद की जाएगी किसानों के लिए? फसल बीमा योजना में बच्चा को भी शामिल किया जाए, ये हमारी एक बड़ी डिमांड है। और राकेश जी क्या इस संबंध में आप किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई, किसानों की जो परिवार है उसकी मदद की जाए? वो भी है, रात उनसे बात हुई थी अधिकारी से, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री को लेटर भेजेंगे यहाँ से बना के, किसानों की डिमांड ये है कि घोषणा उसकी यहीं पे ही हो। तो प्रशासनिक अधिकारी डीएम और केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई आश्वासन लेकर वहां पे आने वाले हैं जी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकेजी हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लगातार संवाददाता वरुण शर्मा जुड़ चुके हैं और फोन लाइन पर। वरुण, जिस तरीके से जो हालत बने हुए हैं गांव के, वहां पर किसान का शव रखकर और जो ग्रामीण है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले आप पूरा मामला विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान है ओमपाल सिसोली के रहने वाले हैं और जिन्होंने कल पेड़ से कर आत्महत्या कर लिया, कारण ये बताया जा रहा है कि जो आर्थिक चलते जो मिल प्रशासन है उन्होंने इनका गन्ने का जो पर्ची है वो समय से नहीं उपलब्ध कराया। और हालांकि मिल बंद होने के कारण है सबने एक सूचना जारी कर दिया है कि जिस तारीख को मिल बंद कर दिए जाएंगे, उसकी तंगी को देखते हुए कल किसान ने आत्महत्या कर दी, जिसको लेकर आज जो परिजन है वो सिसोली में शव रखा हुआ है, पर जाम हंगामा हो रहा है। फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं फिलहाल की स्थिति आपको बता दूं, फिर मौके पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बुढ़ाना विधानसभा के उमेश मलिक वो मौके पे हैं, केंद्रीय संजीव मंत्री संजीव बालियान जो हैं वो मौके पे हैं, और जो जिला अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के शैलवा कुमारी जी और अभिषेक यादव एसएसपी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कहना है उनका, क्या जो जो मृतक के जो किसान था उसके जो परिवार को मदद दी जा रही है फिलहाल? अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, हालांकि किसानों का जो परिजन है उनसे बातचीत चल रही है। किसान परिजनों का मानना है कि जो इसका मुआवजा है मिल की तरफ से दिया जाए, प्रशासन की तरफ से दिया जाए और मिल के ऊपर FIR दर्ज हो जी। तो वरुण, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महेंद्र टिकैत के गांव का ये पूरा मामला है और वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, इसको देखते हुए काफी रोष है जिस गांव के जो लोग हैं किसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिसोली एक अखंड है, भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके जो पुत्र है राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं और जिसको लेकर किसानों में काफी रोष उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वरुण, बड़ी बात है कि जो महेंद्र टिकैत है वो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आखिर जो मृतक किसान है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया, उनकी बात अपनी बात क्यों नहीं रख पाया वहां तक? अभी राकेश टिकैत जी से बात हो रही थी, उनका यहाँ भी जो किसान है उनसे बात हो रही है, जो उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौके पर हैं, वो कह रहे हैं कि अभी टिकैत साहब 30 से 25 मिनट में यहाँ मौके पर पहुंच जाएंगे।
लेकिन वरुण राकेश टिकट से हमारी भी बात हुई, वो पहुंचने वाली है, लेकिन महेंद्र टिकट पर पहुंचना तो पहले से बहुत जरूरी है क्योंकि वो किसानों के मसीहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो उनके जो भारतीय किसान यूनियन है, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके जो पार्टी के और लोग हैं, वे अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहुंच गए हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान। शुक्रिया वरुण शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं। और हमारे साथ सांसद संजीव बालियान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर जिस तरीके से लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर से एक मामला सामने आया जहां पर एक मुजफ्फरनगर में किसान ने आत्महत्या कर ली है। लगता है संपर्क टूट गया है। सर हमसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं जहां पर गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली है और वहीं पर सभी ग्रामीण किसान के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी की जा रही है। लेकिन सबसे जो सोचने वाली बात वो ये है कि जो किसानों के जो मसीहा कहे जाते हैं महेंद्र टिकैत, उनके पूरे गांव का मामला है, वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी किसान ने एक अपने मसीहा को पूरी बात वो नहीं बता पाया जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। तो वहीं पर पूरे जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो किसान ने आत्महत्या की है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारी चर्चा स्वागत है। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। गांव के मसीहा में एक किसान मर गया है, लेकिन अभी तक मसीहा वहां तक नहीं पहुंचे हैं मंदिर टिकट, और वहीं पर ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन अभी तक किया जा रहा है। तो बता दें आपको किसान ओमपाल ने कल आत्महत्या की थी और किसान नेता महेंद्र टिकैत के गांव का ये पूरा मामला है, लेकिन अभी तक किसान के मसीहा कहे जाने वाले वहां पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वहीं पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो मांग कर रहे हैं कि शुगर मिल पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। थाना भोरा कला क्षेत्र के कस्बा सिसोली गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर कल एक गन्ना किसान ने आत्महत्या की है। संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वरुण फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फिलहाल की स्थिति यह है कि गांव की जो गड़ हो रही है वो अभी रखी हुई है। किसानों ने जो वार्ता चल रही है, संजीव वालियान मौके पे हैं और जो क्षेत्र के विधायक हैं बीजेपी से उमेश मलिक वो भी मौके पे हैं और किसान उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो भी मौके पे है। जी अब वरुण, क्या अभी तक वहां पर जो महेंद्र टिकैत थे वो पहुंचे हैं मौके पर? राकेश टिकैत जी अभी मौके पर नहीं है, लेकिन अभी उनके जिला अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनटों में राकेश टिकैत जी मौके पर वो तो पहुंचने वाले। हमारी थोड़ी पहले उनसे बातचीत भी हुई थी, जो किसान के नेता है महेंद्र टिकैत, क्या वो वहां पर पहुंचे? क्योंकि पूरा ये मामला उनके गाँव का ही है। जी महेंद्र सिंह जो टिकैत है उनका साल पहले शुरुआत हो चुका है, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन की जो भागदौड़ है वो पूरी राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी दिख रहे हैं। जी क्या वरुण कोई जानकारी मिल पाई किस वजह से किसान ने आत्महत्या की है? जो किसानों का है ये इसका बताया जा रहा है कि 35 बीघे का जो खेत है वो गन्ने का, उसकी बुआई ये कर रहा था। लगभग 5 बीघा जो गन्ना है इसका खड़ा था, जिसको लेकर मील प्रशासन जो है वो इसको इंडेक्स जो होता है पर्ची का वो जारी नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात है जो पश्चिम यूपी की जो 3 मिले हैं उन्होंने मील बंद करने की घोषणा अलग अलग महीनों में तारीखों में कर दी है, उसको लेकर किसान ये परेशान था, जिसको लेकर उसने आत्महत्या की। जी अब वरुण, यहाँ पर ग्रामीणों ने जो शुगर मिल के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है, तो क्या कोई कार्रवाई हो पाई अभी तक शुगर मिल पर? शुगर मिल पर कार्रवाई की बात किसान कर रहे हैं और वो इसी बात पे बैठे हैं कि
जो परिजन है उसके, जो किसान है उसके तीन क्या है, जो एक लड़का है उसको कम से कम मुख्यमंत्री आज पहुंच से मुआवजा मिले, मील की तरफ से मुआवजा मिले, और मील के वरुण, हमने जब सांसद से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पंचायत का हवाला देकर उसको टाल दिया, इसके मायने क्या है? मैं बता दूं, जो सांसद जो है संजीव वालिया है वो अभी हालांकि किसानों के बीच में घिरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, हो सकता है। लेकिन वरुण, इससे ज्यादा जरूरी क्या है, किसान ने आत्महत्या कर ली है? सबसे बड़ी बात यह है, दुख का कारण तो सबसे बड़ी ये है कि जो किसान मसीह है महेंद्र सिंह सिसोली जो है, सिसोली ऐसा क्षेत्र माना जाता है किसानों का जहां से पूरे वर्ल्ड में किसानों के लिए मैसेज जाता है, उसमें अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो ये वरुण कह सकते हैं जो खुद जिम्मेदार है वो इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक किसान नेता भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और सांसद ने भी पंचायत का हवाला दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, किसान नेता अगेंस्ट रहती है और अभी 24 घंटे, कल 2:30 बजे का मामला है, 24 घंटे हो गए तो है, अब तक किसान जो नेता है राकेश टिकैत वो नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, हिडक से बात हो रही है, जो उनकी जो पार्टी के और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता है वो है, इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। वरुण, बहुत बड़ी लापरवाही है, कल ये हत्या हुई थी, कल किसान ने आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक इसके 24 घंटे भी पूरे होने जा रहे हैं, मौके पर ना तो सांसद पहुंचे हैं और ना ही खुद किसान नेता मौके पर पहुंचे हैं। किसान नेता मौके पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो सांसद हैं और विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और सांसद हैं, वो मौके पर हैं, किसानों से वार्ता चल रही है। जी चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया वरुण शर्मा, अधिक जानकारी देंगे, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, कल गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली थी और इसी को लेकर सभी ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और वहीं पर सभी ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो मृतक किसान है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ सवाल यहाँ खड़े होते हैं, ना तो मौके पर किसान नेता महेंद्र टिकैत पहुंचे हैं और वहीं पर जब सांसद से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पंचायत का हवाला देकर इस बात को ही टाल दिया। तो बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो नेता है वो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, और जिसको किसान का मसीहा कहा जाता है ये पूरा गाँव आज क्यों परेशान हो रहा है। और यह